हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा 24 जनवरी को जो पहली शिफ्ट हुई है अभी तक जेई मेंस की, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं सभी सब्जेक्ट के। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। बेटा ऑथेंटिक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं वही ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप भले यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके फायदे के लिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर विद सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि आप इनको एक बार प्रैक्टिस करके जा सको। बिकॉज सिमिलर पैटर्न पर ही आने वाली शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले अपन फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, विद सोल्यूशन आपके हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस को यहां पर बढ़ाता जा रहा हूं, आप पोस्ट करके यहां पर क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए जाना एक बार, ठीक है ना। और रोजाना जितनी भी शिफ्ट होगी अपन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे और तीनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे बेटा। तो पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड। उसके अलावा यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद बड़े एसएचएम का क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन आपको सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, तो आप फटाफट से इनको देखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये टेंशन का क्वेश्चन है बेटा एनएलएम से, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन का क्वेश्चन है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो अपना रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर है उससे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बेटा देखो यहां पर ईएम वेव से क्वेश्चन है, ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है बेटा, पाश्चन सीरीज से, ठीक है ना। और उसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें आगे यहां पर, तो देखो यहां पर ये यहां पर मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, ठीक है। और यहां पर चार्ज के क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। और उसके अलावा बेटा यहां पर ये देखिए यूनिफॉर्म रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन है सारे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। विद सॉल्यूशन आपको यहां पर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको ये पेपर मिल रहा है, ठीक है ना बेटा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना इसको, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ये क्वेश्चन देखो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन है बेटा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आराम से आप लूप वाला क्वेश्चन कर सकते हो। यहां पर मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है, और देखो डायमेंशन का क्वेश्चन भी यहां पर पूरा मॉडर्न फिजिक्स का दे दिया गया है। जितनी मॉडर्न फिजिक्स के टर्म है सबके ऊपर डायमेंशन पूछी गई है आपसे। ईएम वेव से क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। और देखो यहां पर ये थर्मल से क्वेश्चन आए हैं बेटा, वीआरएमएस पर, ठीक है, वीआरएमएस स्पीड पर क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। और इसके अलावा देखो ये आरएलसी सर्किट पर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये इसी तरीके से बेटा 26 क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये 25th क्वेश्चन आपका चल रहा है। इसके बाद ये 26 क्वेश्चन है बेटा मेमोरी बेस्ड, जो ओरिजिनल कंटेंट है, ऑथेंटिक है बेटा, उसमें 26 क्वेश्चन अब तक मिले हैं। आगे वाली आने वाली शिफ्टों में जितने भी पेपर होंगे सभी के इसी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप भी जितना हो सके इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना अपनी शिफ्ट से पहले।